हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नेम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो देखिए छोटे क्लास में लोग रियल नंबर्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और अब हम लोग एक नए नंबर के बारे में जानेंगे जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटेल में पढ़ने के लिए एक सिंबल की ज़रूरत होगी, तो आज हम लोग एक सिंबल के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद फिर फॉर्मली हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पर आ जाएंगे। तो ठीक है, तो देखिए सिंबल के बारे में बात कर रहे हैं वह क्या है, तो उस सिंबल को कहते हैं हम लोग आयोटा। अब देखिए आयोटा क्या है, ध्यान देंगे, अंडर रूट -1 इज डिनोटेड बाई आई एंड कॉल्ड आयोटा। तो देखिए आयोटा क्या है, अंडर रूट -1 को हम लोग एक अल्फाबेट आई से दिखाते हैं और इसको हम लोग कहते हैं आयोटा। दैट इज आप ये कह सकते हैं आई इज इक्वल टू अंडर रूट -1। ठीक है, अब हम लोग यह जानेंगे आगे अभी इसी चैप्टर में कि भाई अंडर रूट -1 को आई से डिनोट कर रहे हैं तो इसके क्या एडवांटेज हैं या इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो वह हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग यह जो आई है मतलब अंडर रूट -1 है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी हमने बताया कि आई की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट -1। अगर हम यहाँ पे आई स्क्वायर लिख देते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा -1, और आई टू द पावर 3 लिख देते हैं मतलब आई क्यूब ले लेते हैं तो आई स्क्वायर इंटू आई मतलब -1 इंटू आई, तो फाइनली हो गया -i। और ऐसे अगर हम आई टू द पावर 4 लिखते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर का स्क्वायर मतलब क्या -1 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। तो आप ये देख पा रहे हैं कि आई की वैल्यू अंडर रूट -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू -i और आई टू द पावर 4 की वैल्यू 1। अब इसके बाद देखिए एक रिजल्ट हम और यहाँ पे आई से रिलेटेड डिफाइन करेंगे, आप उसको देखिए। आई टू द पावर 4m+r इज इक्वल टू आई टू द पावर r और यहाँ पे m एलिमेंट है w का। ठीक है, अब देखिए ये जो रिजल्ट है इसको पहले हम प्रूफ करेंगे फिर हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चन में इस रिजल्ट को कैसे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले इस रिजल्ट का हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। तो देखिए आई टू द पावर 4m+r है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं आई टू द पावर 4m इंटू आई टू द पावर r, और जो आई टू द पावर 4m है उसको आई टू द पावर 4m लिख सकते हैं आई टू द पावर r, और देखिए जो आई टू द पावर 4 है आप उसको 1 लिख दीजिए 1 टू द पावर m इंटू आई टू द पावर r, फाइनली कितना हो गया आई टू द पावर r। इसका मतलब कहीं पे अगर लिखा हुआ है आई टू द पावर 4m+r तो सिंपली आप उसको आई टू द पावर आर लिख सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं, तो देखिए आई टू द पावर 10 निकालना है ना, तो आप इसको आई टू द पावर 10 को 4 के मल्टीपल के टर्म में अरेंज करिए मतलब क्या लिख सकते हैं 4 × 2 + 2। तो देखिए अभी हमने बताया था ना आई टू द पावर 4m+r हो तो आई टू द पावर आर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आई टू द पावर 2 और आई टू द पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है -1। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए आई टू द पावर 10 है तो आई टू द पावर 2 × 4 ठीक है +2, या इसको लिख दीजिए आई टू द पावर 2 × 4 इंटू आई टू द पावर 2, और इसको आप लिख दीजिए आई टू द पावर 4 टू द पावर 2 आई टू द पावर 2। आई टू पावर 4 कितना होता है 1, 1² इंटू आई टू द पावर 2 और आई टू द पावर 2 की वैल्यू कितनी -1। तो देख रहे हैं आप ऐसे लगा दीजिए या फिर सिंपली जो रिजल्ट हमने यूज किया उसको यूज करिए, तो यूज करके लगाएंगे रिजल्ट को तो बहुत इजीली और जल्दी से लगा पाएंगे। देखिए सेकेंड पार्ट है आई टू द पावर 20, तो क्या लिख दीजिए 4 की मल्टीपल में लिखिए आई टू द पावर 20 है ना, तो 4 × 5 + 0 मतलब आई टू द पावर 0 और आई टू द पावर 0 की वैल्यू होगी 1। तो देखिए आराम से निकाल पा रहे हैं आई टू द पावर 101 है
तो 4 की टर्म में लिखिए 4 इंटू 25, देखिए 100 हो गया प्लस 1, तो i टू द पावर 1, कौन सा रिजल्ट, i टू द पावर 4m प्लस r इज इक्वल टू i टू द पावर r, और ये आ गया वैल्यू कितनी i, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखिए, 1 अपान i टू द पावर 30 है, ठीक बात है, तो यहाँ पे हम i टू द पावर 30 है ना, तो 4 इंटू 7 प्लस 2, देखिए हो गया, ठीक है, 28 प्लस 2 30, तो देखिए अब फिर 4 की मल्टीपल वाला टर्म तो हट गया, i टू द पावर 2, और इसकी वैल्यू होती है कितनी माइनस 1, तो बराबर कितना आ गया माइनस 1, तो 1 अपान i टू द पावर 30 की वैल्यू माइनस 1, ठीक है। अब उसके बाद देखिए फिफ्थ पोर्शन, i टू द पावर माइनस 51, तो 1 अपान लिख दीजिए i टू द पावर 51, ठीक है, 1 अपान, अब देखिए i के पावर 51 है, 4 के टर्म में लिखिए प्लस 3, लिख सकते हैं 48 प्लस 3 51 हो गया ना, 1 अपान i टू द पावर 3, अब देखिए i टू पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है माइनस i, अभी हम लोग निकाल चुके हैं, नीचे i के टर्म में आंसर नहीं छोड़ना चाहिए, तो हम लोग इस पर थोड़ा सा और वर्क करेंगे, ऊपर नीचे हमने i से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये i हो गया माइनस आई स्क्वायर, अब देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो यह फाइनली हो गया कितना, एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं, देखिए कहा जा रहा है राइट इन टर्म्स ऑफ आई, आई के टर्म्स में इनको लिखना है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहला पार्ट है अंडर रूट माइनस 49, ठीक, आप इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1 इंटू 49, और आप इसको ब्रेक कर लीजिए अंडर रूट माइनस 1 अंडर रूट 49, तो अंडर रूट माइनस 1 को आप आई लिख दीजिए, 49 को 7, तो आप इसको आई के टर्म में लिख पाएंगे 7 आई, ठीक है। देखिए सेकेंड पार्ट देखते हैं, 2 प्लस अंडर रूट माइनस 3, तो 2 प्लस इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट माइनस 1 इंटू 3, और इसको आगे लिख सकते हैं अंडर रूट माइनस 1 अंडर रूट 3, अब देखिए यह 2 हो गया, अंडर रूट माइनस 1 को आई लिख दीजिए आई रूट 3, तो इसको आई के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, लिखा गया 4 अंडर रूट माइनस 25, तो आप लिखिए 4 माइनस, आप इसी वे में इसको माइनस 1 अंडर रूट 25 ऐसे लिख सकते हैं, 4 माइनस अंडर रूट है ना, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखा, अंडर रूट माइनस 1 है, तो आई और रूट 25 को आप लिख सकते हैं 5, इसका मतलब 4 माइनस 5 आई, तो यहाँ पे देखिए कि जो कुछ टर्म यहाँ पे गिवन थे उनको लोग आई के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर पाए। अब हम लोग यहाँ पर ये जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं फॉर्मूले हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत क्यों हुई इसको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पिछले क्लास में अगर इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते थे तो हम लोग इसका जब चेक करते थे तो देखते थे कि इसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते, है ना, कैसे, देखिए क्या होता था, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो आप यहाँ के कहते थे कि किसी क्वांटिटी का स्क्वायर जो है निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि आप इस तरह की जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 इसके लिए हम लोग प्रिपेयर नहीं थे, तब हम लोग कहते थे कि क्यों, क्योंकि रूट में निगेटिव नंबर्स तो नहीं हो सकते ना, तो हम लोग कहते थे कि इमेजिनरी नंबर्स है, ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन बाद में कुछ ऐसे मैथमेटिशियंस हुए जिन्होंने बताया कि नहीं इस तरह के नंबर्स का भी इम्पोर्टेंस है, तो इस तरह के नंबर्स का भी इम्पोर्टेंस है, इसको अगर डील किया गया तो इसको ऐसे लिखा गया प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 इंटू 4, तो अभी जो देख रहे थे इसको हम लोग अंडर रूट माइनस 1 और अंडर रूट 4, तो प्लस माइनस 2i ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब यहीं से कि भाई ठीक है रूट में निगेटिव नंबर जो होते हैं वह रियल नंबर नहीं होंगे, लेकिन वह भी एक नंबर्स होंगे, इनका भी इम्पोर्टेंस होगा, तो यहीं से शुरुआत हुई कॉम्प्लेक्स नंबर की, चूँकि अंडर रूट माइनस 1 यह बार बार एराइज होता तो इसको एक सिंबल के फॉर्म में आई से डिनोट किया गया और इसको आयोटा कहा गया। तो फॉर्मली हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है,
कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा कैसे परफॉर्म होता है और साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़, तो यह सब टर्म हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैथ स्काई के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।